तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मेरा नाम है प्रणाम, सबका स्वागत है मेरे पवन खोड़े यूट्यूब चैनल में। आ गया हूँ दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, आप अपने फ़ोन में आप कोई भी एक कीबोर्ड को ढूंढ रहे हो दोस्तों, प्ले स्टोर में आप कोई भी एक कीबोर्ड को ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, या आपको कोई भी एक कीबोर्ड नहीं मिल रहा है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा कीबोर्ड आप ढूंढना चाहते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड अपने फ़ोन में लगाना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको एक बहुत ही बढ़िया एक कीबोर्ड एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। उस कीबोर्ड एप्लीकेशन से आप बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों टाइपिंग कर सकते हो अपने फ़ोन में, और साथ ही में दोस्तों उस कीबोर्ड को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो दोस्तों, अपना कोई भी गैलरी के फ़ोटोज़ भी लगा सकते हो दोस्तों उस कीबोर्ड के अंदर। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चले बिना टाइम इसी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए अपने फ़ोन में दोस्तों बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड लगाने के लिए देखिए आपको क्या करना है, सिंपली अपना प्ले स्टोर को ओपन कर देना है दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए। तो देखिए मैं इधर से सिंपली प्ले स्टोर को ओपन कर दिया, तो प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद देखिए इधर आपको सिंपली सर्च कर देना है एक्स कीबोर्ड करके, आपको सिंपली सर्च कर देना है। देखिए तो सर्च करने के बाद देखिए आपको इधर फर्स्ट ही एप्लीकेशन मिल जाएगा। देखिए तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए एक्सप्लोरी करके इस तरह का एप्लीकेशन आ जाएगा। देखिए तो एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस एप्लीकेशन को आपको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद देखिए ओपन कर देना है इस एप्लीकेशन को। तो देखिए मैं सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है, तो ओपन करने के बाद इधर आपको सिंपली स्विच टू एक्सप्लोरी करके इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए तो इधर से आपको सिंपली अलाउ कर देना है, ओके के ऊपर क्लिक करके इधर से चेंज कीबोर्ड करके इधर एक्सप्लोरी के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए तो क्लिक करने के बाद देखिए गेट स्टार्टेड के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, पूरा इसमें थोड़ा डिटेल्स में आपको सिखाऊंगा। तो देखिए ऐप इस तरह को ओपन हो जाएगा। तो इधर से आपको सिंपली क्या कर देना है, होम के बाजू आपको थ्री लाइन्स दिखाई देंगे, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर से इधर थीम्स के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। देखिए तो थीम्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको इधर बहुत सारे कैटेगरीज मिल जाएंगे इस तो थीम्स के। देखिए इधर आपको इधर दिखाई दे रहा होगा ऑल्स में इधर सारे आ जाएंगे, और देखिए कलर्स इमेजेस एनिमेटेड देखिए माय थीम्स करके इधर आ जाएगा। देखिए इस तो पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखिए इस तो मैं इधर से क्या कर रहता हूँ, सिंपली व्हाट्सअप में जाके मैं आपको कीबोर्ड दिखा देता हूँ तो कैसा लगता है करके देखने में। तो देखिए मैं इधर से कैंसिल करके इधर से मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखिए इस तो देखिए कीबोर्ड इस तरह का आ जाता है, देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए अभी कौन सा भी इधर वॉलपेपर नहीं लगा है, तो देखिए आपको सिंपली इसमें वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो आपको क्या कर देना है, देखिए उस एप्लीकेशन को ओपन करके आप इधर से बहुत ही आसान तरीके से अपने पसंद का देखिए तो इधर से चूज़ करके आप वॉलपेपर लगा सकते हो, उसको फोटोज़ लगा सकते हो। देखिए तो देखिए मैं अगर आपको फोटो लगा के भी दिखा देता हूँ, तो एग्जांपल के लिए आप अपना गैलरी के फोटोज लगा सकते हो। देखिए क्रिएटिव और थीम करके इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इधर से देखिए गैलरी के फोटोज इधर से लगा सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए मैं एग्जाम्पल के लिए इधर से आपको इधर से लगा के दिखा देता हूँ। देखिए आपको कोई भी इमेज या कोई भी वॉलपेपर लगाने के लिए आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है, उस वॉलपेपर के ऊपर या फोटो के ऊपर। तो क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का दिखेगा आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा। तो इधर से सिंपली आपको अप्लाई करने के लिए इधर अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद देखिए इधर अप्लाई करके आ चुका है, तो अप्लाई हो चुका है। तो देखिए मैं आपको इधर व्हाट्सअप में जाके दिखा देता हूँ तो थीम चेंज हुआ है नहीं करके। तो देखिए आप इधर से देख सकते हो तो थीम चेंज हो चुका है। तो देखिए मैं आपको इधर और भी ऑप्शन इसमें दिखा देता हूँ। देखिए ये तो दोस्तों ये फोटोज़ का हो गया, थीम का हो गया। इधर से देखिए आपको क्या कर देना है, और एक दिखा देता हूँ। तो देखिए आपको लैंग्वेज के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है, तो अब इधर से आपको इधर सारे इंडिया के सारे लैंग्वेज इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। तो देखिए आप एक एग्जाम्पल के लिए देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा, तो हिंदी का कीबोर्ड भी इधर आ चुका है। देखिए दोस्तों बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, अंगिका, देखिए इधर सारे इंडिया के सारे इसमें लैंग्वेज आ जाएंगे। देखिए दोस्तों बंगाली, भोजपुरी, इधर सारे मिल जाएंगे दोस्तों आपको। तो देखिए मैं आपको डाउन करके मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। तो हिंदी इंग्लिश मैंने इधर ले लिया है, तो डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। तो और देखिए मैं इधर से मैं सिंपली इधर थ्री लाइन्स के ऊपर क्लिक क्लिक करके देखिए इधर कस्टमाइजेशन करके दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखिए आपको इधर फोन्स भी मिल जाएंगे। देखिए तो इसमें 8-10 आपको फोन्स भी मिल जाएंगे। तो आपको फोन्स को चेंज करने के लिए मैं आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ, तो एक आप इधर से भी चेंज कर सकते हो फोन्स को, और एक मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। देखिए तो देखिए मैं इधर फोन्स के ऊपर जा देता हूँ, सिंपली व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। तो व्हाट्सअप को ओपन करने के बाद देखिए आपको सिंपली इधर फोन्स को चेंज करने के लिए देखिए अभी तो इस तरह का फोन्स आ रहा है, देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल फोन्स है। तो आपको फोन्स को चेंज करने के लिए देखिए इधर आपको थ्री डॉट्स दिखाई देंगे। देखिए तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर आपको इधर क्रेजी फ़ॉन्ट्स करके इधर दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इधर सारे फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, तो देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा। तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। तो देखिए मैं सेकेंड वाला के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो क्लिक करने के बाद देखिए तो इधर फ़ॉन्ट लग चुका है, देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा। तो आप इधर से देखिए फ़ॉन्ट स्टाइल को इधर से चेंज कर सकते हो दोस्तों। और देखिए अपना लैंग्वेज को चेंज करने के लिए आपको इधर देखिए इंग्लिश करके इधर आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, स्पेस का है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे टैप कर देना है देखिए। तो टैप करने के बाद देखिए ऐसे आपको स्वाइप अप कर देना है दोस्तों। तो हिंदी इंग्लिश करने के लिए ये कर देना है देखिए, ये पूरा हिंदी करने के लिए इसके आपको सिंपली इसके ऊपर ऐसे छोड़ देना है देखिए। तो आप इधर से कौन सा अपना लैंग्वेज को टाइप करना चाहते हो इधर से ऐसे इसके ऊपर क्लिक करके टाइप कर सकते हो दोस्तों। कौन सा अपना लैंग्वेज को टाइप करना चाहते हो, कौन सा अपना लैंग्वेज को इधर से सेलेक्ट करना चाहते हो इधर से बहुत ही आसान तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़े एप्लीकेशन है दोस्तों। एक ही एप्लीकेशन में आपको सारे इधर सेटिंग्स मिल जाएंगे दोस्तों। देखिए आपके सामने इधर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इधर से देखिए सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके इधर से भी देख सकते हो दोस्तों। इधर पे आपको बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे दोस्तों, वाइब्रेट के वगैरह वगैरह बहुत सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आप मुझे कोई भी सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उस सवाल का मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।